समझते हैं, मोदी सर पैगाम भेजेंगे। मेरे ख्याल में आप पैगाम की बात कर रहे हैं, मुझे मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है करेंगे। सैलाबी रेलों ने देहातों के देहात मलियामेट कर दिए। इस मुल्क पे इतनी सारी बलाएं टूटी हैं, इतने सारे क्या कहूँ आफात मैं, आई अब आफात आई हैं। मुश्किल वक्त। इंडिया की तरफ जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, हम खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट बिल को बढ़ा रहे हैं। कहते वो काफिर, वो हिंदू, अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? इस वक्त तक जो अंदाजा लगाया गया है वो परेशान कुन है। इस अंदाजे के मुताबिक 10 लाख घर तबाह हो चुके हैं, 3 करोड़ की आबादी सैलाब से मुतासर हुई है। IMF से कर्जे की किस्त तो 1.1 अरब डॉलर है, लेकिन इस वक्त मुल्क को नुकसान का जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो 10 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडिया से मदद मांग रहा है, ईरान ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया, ईरान के टैक्स बढ़ गए हैं, अफगानिस्तान से हम हेल्प ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद लेने का सोचा है, इंडिया से अनाज मांगा है और मेडिसिन मांगी है, लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आज से 3 साल पहले उन्हें बोला था कि हमें आपसे ना तो अनाज चाहिए और ना ही अद्वियात चाहिए। आप कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो भी 70 रुपये किलो है, तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है। आप क्या तो दोस्तों, पाकिस्तान में अब ये बात हो रही है कि हम किस मुंह से भारत से मदद मांगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद भारत मदद के लिए तैयार है अगर पाकिस्तान चाहे तो। पाकिस्तान की मदद बहुत सारे देशों ने की है। अभी अभी मैं गणेश जी की स्थापना करके उठाऊँ, लास्ट में आपने देखा होगा जब आरती हो जाती है उसके बाद क्या बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, इस तरीके की आपने अगर सुना होगा, ऑब्वियसली पूजा पाठ में शामिल हुएंगे तो सुना होगा। तो आप सोचें, विश्व का कल्याण हो, ये लाइन सोचें, सभी सभी प्राणियों में सद्भाव हो। तो मेरे हिसाब से इस लाइन को सोचते हुए अगर भारत को मौका मिलता है तो हमें मदद करनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं फिर करते हैं बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो ऑफिशियली हमें नहीं, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं, अवाम तो दोस्त है, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। हमारी तो बड़ी दोस्ती है, लेकिन भारत की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, ना किसी किस्म की सपोर्ट का मैसेज आया, ना नरेंद्र मोदी साहब ने कोई पैगाम भेजा कि जी सैलाब आए हैं, हम कोई सिंपथी शो करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे, आपकी भारत की टीम ने अगले दिन पाकिस्तान के सैलाब के साथ यकजहती के लिए बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी हुई थी, और मैं मुझे बड़ा उससे अच्छा लगा कि कम से कम, और मैं समझता हूं कि देखें भारत के साथ ये सारा, ये उधर से इधर, ये सारा एक पॉलिटिकल ड्रामा है। देखें वरना हम एक ही लोग से सदियों से यहाँ रह रहे हैं, ये इसके पीछे जब भी भारत के खिलाफ बात करनी या भारत के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी और होती है, वरना हम लोग सदियों से सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे यूनाइटेड इंडिया में। हाँ, टू नेशन थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी को कभी तकवीत मिल जाती है, कभी उसके कुछ ओपिनियन हो जाती है, लेकिन आप मैं जिस तरह आपको कई दफा अर्ज करता हूँ कि इंसान पहले पैदा इंसान होता है, बाद में उसका मजहब डिसाइड किया जाता है। आप मुसलमानों के घरों में पैदा हुए तो मुसलमान है, हिंदुओं के घरों में पैदा होते हैं तो आप हिंदू हैं, वरना कौन सी आपने रिसर्च कर करके अपने मजहब चुने हैं, जिस तरह यहाँ पे जापानी या गोरे चुनते हैं, तो उसके पीछे हमारी सेंटीमेंट्स होते हैं, उस पे हमारे इधर से मौलवी होते हैं वो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उधर से दूसरी साइड से भी मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन इसको सिर्फ लिमिटेड हद तक रखना चाहिए। इंसानियत के लिए मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा हमें लिहाज होना चाहिए, और मेरे ख्याल में आगे यहाँ पर आगे माइक पकड़ के बात करता हूँ तो हमारे लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस बिटवीन के वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू, अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सर। देखिए बात बताए कि अगर हम एक इंसान को उसके मजहब की बुनियाद पर देखेंगे, उसके नस्ल के बुनियाद पर देखेंगे, तो फिर तो हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुनाफ़त है, उनसे हेल्प भी मांगे, ठीक है। हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, एक को इंडिविजुअल को उसकी इंसानियत पे जज करो, आप उसके रंग नस्ल या उसके जज ना करो। ये मेरा बहुत प्यारी बात की आपने। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो कि मोहब्बत के बजाय, आप लोग जब हेल्प मांगने जाते हो तो खून तो सबका इक्वल है ना,
सबका इक्वल है। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इंसान आता, उसके बाद मजहब होता है जी, मानते या नहीं मानते। मेरे ख्याल से उनसे हेल्प मांग के हमने इतना कोई गलत काम नहीं किया। इस टाइम पर हमारी जरूरत ये है कि हम अपनी अवाम को बेस्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। उसके लिए हमें चाहे जिस मर्जी से हेल्प मांगनी पड़े, अपनी ईगो रखने की बात नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे हमें ईगो नहीं रखनी, हमने अपनी जरूरत पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल से गलत बात नहीं। सर आपको पता है कि सैलाब जो है उसने हमारी फसलें हमारे लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन इस दौरान भी सियासत चल रही है एक तरफ तो, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडिया से मदद मांग रहा है। ईरान ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया ईरान के टैक्स बढ़ गए हैं, अफगानिस्तान से हम हेल्प ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद लेने का सोचा है, इंडिया से अनाज मांगा है और मेडिसिन मांगी है, लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आज से 3 साल पहले उन्हें बोला था कि हमें आपसे ना तो अनाज चाहिए और ना ही अद्वियात चाहिए। आपको क्या लगता है कि हेल्प करेंगे इंडिया? आप देखें, उसमें सबसे पहले तो पॉइंट ये आएगा कि हम इस नौबत तक आए क्यों हैं। तो अगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तो फिर हमें दूसरों से भीख तो मांगनी पड़ेगी। वो चाहे हम फिर कहें कि जी खुददारी और ये वो चीज़ें, फिर बात करना मुनासिब नहीं रहता। 75 ईयर्स हो गए हैं हमें भी, इंडिया को भी। अगर वो इस पोजीशन में है कि हमें हेल्प आउट करे और वेजिटेबल्स या फूड या कोई रेलिवेंट इससे मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़, तो हम क्यों नहीं हैं वहाँ पर? तो दूसरा ये है कि अगर फिर, या तो दो ही चीज़ें, आवाम के लिए अगर ये काम करना है तो फिर तो समझ आती है। अगर वही काम होना है कि जैसे अब हैं जो हमारे लीडर्स हैं MNAs MPAs, अब जिस फ्लडी एरिया कोई भी देख लें उठा के, तो कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो वही है कि अगर वो थोड़ी सी तस्वीर बनाने के लिए है, मतलब मुख्तर यही है कि अगर करना है तो हम अपने पाँव पे खड़े हों गवर्नमेंट के। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको लगता है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? अगर तो 75 ईयर्स लास्ट वाला ही हमने एक्सपीरियंस अपना रखना है तो फिर तो शायद नहीं होंगे। तो अगर हम खुद को समझें और स्पेशली जो यूथ है, ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रिहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और $10 अरब भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मुफ्ती इस्माइल साहब ने कल बड़े वाजे तौर पे एक दिन में 2 दफ़ा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी टीवी पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाए ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर है उन्होंने मंजूरी दे दी है। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तजारत बहाल कर लें? देखिए, 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी कि पाकिस्तान अपना रुख, सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाए मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए, और लड़ाई जंग जिहादवाद इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। इंडिया से टमाटर और प्याज जो है और इस किस्म के वेजिटेबल्स जिनकी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं, और वहाँ से फौरी तौर से पंजाब, इंडियन पंजाब, चंडीगढ़ से मंगवा लें। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है पाकिस्तानी, और जो टमाटर हैं वो भी कोई 90 रुपये किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ प्याज की कीमत जो है वो 400 रुपये किलो हुई है और टमाटर 500 रुपये किलो पर पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। सड़क है, ट्रक्स आते आ रहे हैं जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो सकता है। अफगानिस्तान के लिए तजारत चल रही है, इंडिया अफगानिस्तान की हमारे ज़रिए, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि सियासत हो रही है इस वक्त, और वो सियासत गंदी सियासत है, तो ये सिचुएशन है, ये अफसोस की बात है। अब भी बात कह रहे हैं कि ईरान से, टर्की से मंगवाएंगे, अब ये 7 अवेलेबल है। इंडिया ने तजारत बंद नहीं की थी, हमने तजारत बंद की थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। तो वो दिन है और आज का दिन है, और यहाँ तजारत जिसकी सख्त ज़रूरत है आवाम को, कि उनकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, वो सियासतदान। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, विश्व का कल्याण हो सभी धर्मों में,
सद्भाव हो, ये चीज़ें बोली जाती हैं, ऑब्वियसली विश्व का कल्याण हो, ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। हमें कोई लेना देना नहीं, हम कभी चाहते ही नहीं है कि भाई हम किसी के, एक्चुअल में हम नहीं चाहते कि किसी के धर्म को हम नीचा दिखाएं, बुरा बोलें, ये करें वो करें। हम बोलें कि हम ही बेस्ट हैं, हमारे अलावा दुनिया में कोई भी सच नहीं है, बाकी सब गलत हैं, जो हमारा फेथ है वही है, ये हम कभी बोलते ही नहीं है, क्योंकि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर बोल दिया जाए कि विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणियों में सद्भाव हो, हम ये बोलते ही नहीं कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है। इसलिए आपको पता होगा ना कि इतने हमारे धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता हैं, हर लोग हर तरीके के देवी देवता को फॉलो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई, मान लीजिए आप भगवान गणेश को मानने वाला कहे कि नहीं भैया मैं श्री राम को नहीं मानूंगा, हम तो गणेश की फॉलोवर, हम इनको मानते नहीं, इनको हम रिजेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ तो सीन है नहीं। हालांकि ये फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ मैं, टॉपिक ये है कि भारत को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की मदद इवन फ्रांस तक कर रहा है। फ्रांस को लेकर पाकिस्तान में 6 महीने पहले आप देखें तहरीक लब्बैक ने इस लेवल के प्रोटेस्ट किए थे कि वहाँ पर इनके कुछ सीजेंट जर्नलिस्ट नुसरत मिर्जा जैसे, उन्होंने ये तक बोल दिया था कि पाकिस्तान को फ्रांस के ऊपर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर देना चाहिए, इस तरीके तक की बातें बोल दी थी। आपको पता है फ्रांस का अगर यहाँ पर एम्बेसडर होता तो ये लोग तो मार देते, इतना बड़े लेवल का प्रोटेस्ट था, बिल्कुल तहस नहस कर दिया था तहरीक लब्बैक ने। क्या उनको लगा कि उन फ्रांस ने इस्लाम का ये वो पूरा आप जाके पढ़ सकते हो क्या, इस तरीके की बातें हुई थी। तो दोस्तों आप समझें अब क्या बोलूँ मैं इस टॉपिक के बारे में। भारत पाकिस्तान के हालात में देख रहा हूँ, कई वीडियोस आ रहे हैं, बच्चियाँ मर रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग डूब के मर रहे हैं, बेचारे गरीब लोग ही मरते हैं। डिफेंस में रहने वाले पाकिस्तान आर्मी के अमीर अफसर जो पैसा खा खा कर, या पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं वो तो मरते नहीं हैं, जो नदी नाले के किनारे बसे हैं, जो निचले इलाकों में बसे हैं, जो बस्तियाँ बसी हैं, आपको भी पता है सब अवैध तरीके से भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में इतनी आबादी है, लोगों को जहाँ मन होता वहाँ बस जाते हैं, तो ये सीन क्रिएट हो रहे हैं। आपको क्या कहना प्लीज़ कॉमेंट